अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ये सब बातें उठाने के लिए तो सदन चलाना जरूरी था। अगर शीशा तोड़ा जाएगा, किताबें फाड़ी जाएंगी या फिर सीटी मारी जाएगी, एक सांसद ने तो सीटी मारी। इस डिबेट पर अभी 10 सेकंड पहले बार बार ये बोला गया उसका 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 राहुल गांधी जी के लिए। एक भाषा की मर्यादा होती है, वो मेरे नेता है, वो विपक्ष के नेता है, वो चुने हुए सांसद हैं। ये उसका 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 क्या होता है? क्या हम इनके नेता के लिए उसका 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 बोलना शुरू कर दें? ये फंस गया सी है। मैं चाहती हूं, क्या मैं मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, स्मृति ईरानी जी के लिए उसका इसकी कौन सी भाषा है? पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, ये देश देख रहा है। ठीक है, समित समित समित, ये पूछा था राहुल गांधी जी को पता नहीं? एक मिनट, आखिरी 15 सेकंड में तो बचे हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते। आपको पूरा टाइम मिला है, आपको पूरा टाइम मिला है सुप्रिया जी, वक्त दे रहे हैं आपको, पूरा टाइम मिला है, आपने अपनी बात को रखा है। वक्त राहुल गांधी को भी वक्त नहीं दे रही है इंडिया, तो आपको क्या करेंगे? राहुल गांधी को राहुल गांधी जी ने फरवरी 2020 में बोला था सुनामी आने वाली है, तब ये सरकार कान में रुई डाल के पड़ी हुई थी। मजा आया। अगस्त में बोला था यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, उन्होंने वैक्सीन। ठीक है, आपने मैडम अपनी बात को बोला, जब ये सुप्रिया आपने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।